तो ठीक है, अगर कोई ऐसी ऑफर आती है, क्योंकि देखिए सियासी मसाइल सियासी तरीकेकार से हल होंगे, ये नहीं है कि हम एक दूसरे पे बंदूक तान के वो करेंगे। हमारा कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हमने एक सिविल सुप्रीमेसी की तहरीक लेके आगे बढ़े हैं, हम एक जमहूरी तहरीक के साथ आगे बढ़े हैं, एक आईनी और कानूनी हदूद में रह के हम आगे बढ़े हैं। तो मेरे ख्याल में ये इसका मसला भी सियासी लिहाज से अगर कोई चाहे तो हल हो सकता है, लेकिन अगर हम इस किस्म की बयानात देना शुरू करें तो मेरे ख्याल में ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हमारा तो शुरू दिन से दो ही डिमांड है कि या तो इस्तीफा दे या फ्री एंड फेयर इलेक्शन करे। ना ये गैर आइनी है, ना ये गैर कानूनी है, ना इसमें कोई ऐसी बात है कि ना मानी जाए या कोई हठधर्मी है। ये अलग बात है कि पता नहीं हुकूमत का क्या है, बल्कि हम तो क्या वो करें, डिमांड करें। वजीर अजम का अपना बयान है कि अगर 5,000 बंदों की बात है तो मुझ में इतनी गैरत है और मैं इतना गैरतमंद हूं कि मैं खुद से इस्तीफा दूंगा। लेकिन मुझे लग रहा है, मुझे वजीर अजम के गैरत पे कोई शुबा नहीं है, मुझे लग रहा है कि उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा कि बंदा कितना कड़ा है बाहर। अगर उनको सही इंफॉर्मेशन कोई दे दे कि 5,000 नहीं 5 लाख तक बंदा कड़ा है, तो वो फौरन इस्तीफा दे देगा, लेकिन उसको इंफॉर्मेशन कोई सही नहीं दे रहा।